Johnny? Reshma? Rani? Reshma? Rani? लगता उठते उठ गया। चली गई ने सब खैर करे मेरे मालिक मेरे इस दुनिया से पहले तो सिवा कोई नहीं तेन रब के वास्ते मेरी भैनों ने मेरे तो दूर कभी ना करी मेरी भैनों ने मेरे तो दूर कभी ना करी आ चलिया ऐसा दे वजू नाल फजर की नमाज पढ़न वालिया तेरिया पाक भैन कितने जा सकते ने और जरूर हाजन अम्मा दे कार कुरान पाक पढ़न गई हो चूं चौकी हो प्राण ने जो मजाक ना करना इतने पर आधा दिन बंद हो जाएगा बंद हो जाएगा मीरा सानू माफ कर दे तेरा मुख वेख नाल साडी नब्ज चल दी है साडी नहीं ते तेरे लाड प्यार का गहना सारी जग तो महंगा है खूब बनाया रिश्ता जगते पैण परावादा बाद मावा दे पैणा विच्चों दिसदा मुखड़ा मावादा मौला खूब बनाया ओ मौला खूब बनाया रिश्ता जगते पैण परावादा बाद मामा दे पैणा विच्चों इस दा मुखड़ा मामा दा मौला खूब बनाया हो मापे
सकदा नेड़े हो मेरे हुंदिया कोई दुख भी आ नहीं सकदा नेड़े पलका नाल चुभांगा एक एक कंडा तेरिया रावांदा बादमावां दे पैणा विचों इसदा मुखड़ा मावांदा मौला खूब बनाया ए हो हाय अल्लाह तकी के होली बन क्यों मैं फाके मार रही हूँ तुम्ही देश पिंडे जगीदार बुलंद बख्त दीती हैं जिरे इस पिंडे हर गरीब नूं गुस्सा के मार दे नहीं तो हमें किन्नी बारी आखे तुसी अपनी सहेलियां ते जान छिड़कण वाली नूरी दा प्यार देखिया करो ले फिर खा चक्कर ते फड़ सानू जागीरदार बुलंद वक्त दीती है जे पेड़ के बंदे ने इन हाथ भी लाया तो ओ दे हाथ बढ़ देगा मैं हाथ नहीं लाना नहीं लाना मैं हाथ उठो दौड़ा इतो अरे गुड़िया चिड़ियो तुझी की थे मेला लुआया है पर पेड़ जे किसी मुटियार ने नवा चंद तेरी चार दिता पारू दे नूनू सात डंडे बीस मोटे कंडे ले आई है इन्हें छेती ना बस बस क्यों जागीरदार साहब को मेरे ढिड दियां भाड़ियां करवाउणियां ने पहले भी दुआना समझ के खा जान लगे सन पर उन्होंने घर च कोई औरत मर जाए पूरे पिंड चो कोई जनाजे नूं कंधा नहीं दे सकता तुसी गल्लां करी जांदे तुसी नहीं समझाउंदे की होया भाई की होया भाई जान नाम साहब तुहाडे ते एक जागीरदार दा ना खौफ है ओह तेरी जान निकल रही है ते कोई डर दे मारे उहदे नेड़े नहीं जा रहे तुहानूं ते सिर्फ अल्लाह दा खौफ होना चाहिए सिर्फ अल्लाह दा खौफ होना चाहिए तुहानूं हां मुनवरिया हुण भावें तेरी जान निकल जाए पर तू नूरी नूं जवानी दी मौत मरण तो बचा लिया जिंदा रहे पुत्र रहे पुत्रा तू नूरी नूं नवी जिंदगी दित्ती है एक जगीरदार दी धी बच गई असी मर भी जांदे ते की सी नी नूरी है मुनवरे दे हाथ पैर चों जिन्हें अपनी जिंदगी दांव ला के तेरी जान बचाई है जिन्हें तेरे साहब दा दिते ने नूरी मुनवरे दे हाथ पैर चो जिन्हें अपनी जिंदगी दाते ला के तेरी जान बचाई है हां नूरी तैनू ते अपनी जिंदगी मुनवरे दे ना ला देनी चाहिदी है जिन्ने तेरे साह बता दिते ने जगीरदार दी धी बच गए असी मर भी जांदे ते की से
आखिया छावन भी आखिया ओ माया इक विनी दुनिया ते तेरे जया दिल हार गई वे प्यार करना पे दिल हार गई वे प्यार करना पे चूसिया बल्कि मेरे पिंडे का जहर चूसिया।
नहीं जाना सी, साडा एक दिन जाया होना सी, तेरे जनाजे रुखसत कर लग्या। अबू जी हाँ जी हाँ, होर की पोचाला जाना सी। तेरा चलाओ गोली ते मार दियो मैनु, लेकिन इन्ना याद रखना मैं अपनी जिंदगी का आखिरी सांस मुनवरे की चोली च लैना है। नूरिये मैं सिकंदर माता ऐसा वेली दी आन शान ते मत्ते ते है गलत ना मली के साड़ी थी एक कमी दे सिर तो कुर्बान हो गई है। लाला होश कर सिकंदर माता होश कर। तुम भी अथो नशा मना रहे हो अगे तो इस हवेली के परछावे को भी ना लगी नहीं ते मेरे पुत्रा ने तेन देख सुट के उबाल देना ही। ओए कौन है नीचो जागीरदार जी तरह नहीं डराई था जान ते कुल ईमान साडी इज्जत तेरी बगैरती ने अपनी मौत नु सदा दे के आप ही बुलाया। मुनवरे को गिरफ्तार कर लो। है जे थानेदारा साडे वीर ने इना सुथरा कतल किया है। हाँ थानेदारा सानू अपने वीर दे सिर्फ एक कतल दा कोई सवाद नहीं आया। अरे मुनवरे दी पैरां नूं गिरफ्तार कर लो। अरे थानेदारा और अपने कतल नूं गैरत तमगा समझ के मैं अपनी हिक ते सजाया मेरी मासूम पैरां नूं किस जुर्म च गिरफ्तार कर रहे हैं। ललकारा मरण दे जुर्म याद रख जे मैं तेरा जुस्सा गोलियां दे टेर दा नको नक ना पर दिता ते मैनू मनवा रखी। ओए हुण जे अगे लगाए गोलियां मार देंगा। मापिया वांगू मैं ते चलिए लाड लडावा तेरे सकदा नेड़े हो मेरे हुंदे कोई
ਸਕਦਾ ਨੇੜੇ ਪਲਕਾਂ ਨਾਲ ਚੁਗਾਂਗਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੰਡਾ ਤੇਰੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਦਾ ਬਾਦਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸਦਾ ਮੁਖੜਾ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਮੌਲਾ ਖੂਬ ਬਣਾਇਆ ਹੋ ਲੱਖ ਦੀ ਜਿੰਦ ਦੇਵੇ ਤੇ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਵਾਰੀ ਸਦਕੇ ਉਹ ਨਾਸ ਭਰੀਓ ਜਾਨ ਵਾਰਨ ਦੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੌ ਖਾਧੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਭਰਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਵਾਲਾਤ ਚ ਲਾਇਆ ਹੋਏ ਨਾਸ ਭਰੀਓ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਲਹੂ ਜੋ ਥਰੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕੰਧ ਪਿੱਛੇ ਹਾਸੇ ਵੀਰਾ ਹਾਸੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤਕਦੀਰ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਬੜੇ ਤੱਕੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਏ ਪਰ ਸਾਡੇ ਚ ਜੁਦਾਈਆਂ ਦੀ ਕੰਧ ਨਾ ਖੜੀ ਕਰ ਸਕੀ ਹਾਂ ਵੀਰਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਕੱਟਣੀ ਇੰਨੀ ਔਖੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿੰਨੀ ਤੇਰੇ ਬਗੈਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਕੱਟਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ ਤੇ ਜੇ ਵੀਰ ਨੇ ਘਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲਈ ਆਪਣੀ ਗੈਰਤ ਦਾ ਵਧਾਣ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਬਗੈਰਤ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨੱਸ ਜਾਈਏ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਪੈਂਡੇ ਤੇ ਮੈਂ ਟੁਰ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਂਡਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਇਹ ਪੈਂਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦਿਲ ਤੇ ਪਾਰ ਨਾ ਪਾ ਵੀਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਰਚਾ ਓਏ ਮਨਵਰੇ ਮੇਰੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਢਿੱਲ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸਮਾਨ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ ਕਤਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਤੇ ਬਲੰਦ ਬਖਤ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਓਏ ਸਾਂ ਰੱਬੀ ਜੇ ਤੇਰੀ ਹਵੇਲੀ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਓਏ ਮਨਵਰੇ ਜਿਸ ਚੱਕੀ ਦੇ ਪਾਟੇ ਤੂੰ ਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਭੈਣ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੱਕਰ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਤੇਰੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਗਾ ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰ ਚ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਹੀ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਜਗੀਰਦਾਰ ਖੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਕੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬੁਲੰਦ ਬਖਸ਼ ਜੀ ਨਾ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਨਾ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਇਹਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹਮਲਾ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕੇ ਇਹ ਫਟੇ ਤੇ ਓਏ ਥਾਣੇਦਾਰਾ ਜੱਜ ਦੀ ਕਲਮ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਸਾਡੀ ਦੌਲਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਉਹ ਹੀ ਮੌਤ ਇਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਗੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਜਾ ਆਪਣੀ ਗੈਰਤ ਲਈ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਚੱਕ ਦੀ ਬਗੈਰਤ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਦਾਤ ਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬਣੀ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬਣੀ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬਣੀ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬਣੀ ਹਾਂ ਆਰਡਰ ਆਰਡਰ ਵਕੀਲੇ ਸਗਾਸਾ ਆਪਣੇ ਦਲਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਿਲਾਜ ਹਾਂ ਤੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਥਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮਨਵਰੇ ਕੀ ਇਨ ਭੈਣੋਂ ਕੋ ਵੀ ਸਖਤ ਸੇ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਨੀ ਚਾਹੀਏ ਜਿਨਕੀ ਲਲਕਾਰ ਔਰ ਇਸ਼ਟਾਲ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮਨਵਰੇ ਕੋ ਕਤਲ ਜੈਸਾ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮ ਕਰਨੇ ਪਰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿਆ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਵਾਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਲਕਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਇਹ ਕਤਲ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕੀਤਾ ਹਾਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਪੁੱਗਣ ਪਾ ਰਹੀ ਸਾਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਵੀਂ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗੀ ਹੋ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮਰ ਗਿਆ ਸਾਂ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੁਹਾਫਿਜ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੈਰਤ ਦੇ ਜੁਰਮ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆਇਆ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕਲਮ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਚਰੀਟ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਪਰ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੀ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਮੈਂ ਲੋਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮਨਵਰਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਭੈਣੋਂ ਕੇ ਪਿਆਰ ਮੈਂ ਅੰਧਾ ਹੋ ਕਰ ਇਨਕੋ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਸੇ ਬਚਾਨਾ ਚਾਹਤਾ ਹੈ ਜਬਕਿ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਖਾਨ ਆਰਡਰ ਆਰਡਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਖਾਨ ਅਦਾਲਤ ਕੋ ਬਤਾਏ
कि उन्होंने मौका वारदात पे पहुंचकर क्या देखा। जनाब अली, मैं जिसने मौका वारदात पे पहुंचा, एक खूनी मकतूल के जिस्म पे बेदर्दी का वार कर रहा सी, ते एरिये दोनों भैणा नच रही सन। अच्छा इंस्पेक्टर, ये बताओ तुम्हारी कोई जवान बहन है? जी जनाब अली, मैं एक जवान बहन का भरा हूं। अब अदालत तुमसे ये पूछना चाहेगी कि अगर कोई तुम्हारी बहन की इज्जत पर हाथ डाले तो क्या वो चीखों पुकार करेगी या खुशी से नाचना शुरू कर देगी? तुम्हें शर्म आनी चाहिए इंस्पेक्टर कि तुमने इन दो मासूम लड़कियों पर ये शर्मनाक इल्जाम लगाया। मैं अपने सवाबदीदी इख्तियारात की ताकत से मुल्ज़िम मुनव्वर की इन दोनों बहनों को मुकदमे से खारिज करता हूं। और मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि इन दोनों लड़कियों को इज्जत के साथ इनके घर छोड़कर आओ और मुल्ज़िम मुनव्वर के मुकदमे का फैसला अगली तारीख पर होगा। अदालत वकला के जलाइल, गवाहों के बयानात और मुजरिम मुनव्वर के इकबाल जुर्म को मद्देनजर रखते हुए ताजी रात पाकिस्तान की दफा 302 के तहत मुजरिम मुनव्वर उर्फ मुनव्वरे को सजाए मौत का हुक्म सुनाती है। साहब, दुख मौत दा नहीं, दुख उन्हें सदरा दा है जेड़ियां दिल च रह गया। सलाम साहब जी। अच्छा मनोवरा तू है? जी साहब जी, तेरे केस की FIR च लिखी हुई कहानी मैं पढ़ रहा था। वो कुछ हो रहे पर पहली नजर च मैं जड़ी किताब तेरे चेहरे से पढ़ी है, ऐ कुछ हो रहे साहब। कलम दवात कागज पुलिस था, लिखारी पुलिस साहब। कहानी तुम्हें अपनी मर्जी भी लिखनी सी ना? देख मनवरे, आज तक किसी उम्र कैद के कैदी ने इनी कैद नहीं कटी जिन्नी मैं सरकार दे इस जेल खाने च कट रहा। इस लई मैं इतने आने वाले हर कैदी नू अपना कैदी याद समझदा। हुण तो अपने दिल दे जख्म हा जे मरहम ना रख सकिया ते जख्मां ते बख्ता अंगारा भी नहीं रखांगा। साहब जख्म खूब अंगो दूंगा, जख्म च लो दरिया ना लो, दरिया ना लो बहुता। यही कहानी तो मैं दो भैनों का कला कला भरा वा, तो मैं अपनी भैनों को अपनी जिंदगी अपनी भैनों की अपनी भैनों की हयाती की निशावर करना साहब। हां मनवरे, रब किसी ने वेख्या नहीं पर साडा ईमान है कि वह शारक दे विच वसदा है। इंजी तेरिया भैं मैं वेखिया नहीं पर जिलर तेन उन्हों तिया का बादल बन के विखाएगा। मैं तेन अपना एक रूप विखाया है, मेरा तुझ पत्थर की वो चटान है जिदना सिर टकरा टकरा के कैदी के हवालाती मरते गए पर जेल की कंध ना टप सके। मेरी हमदर्दी तो दरिया दिली कित गुजरी समझ के जे किसी ने सूरमा बनने की कोशिश की तो मैं वो खल ला के जेल की दीवार से टंग दिती। मेरा तेन मशवरा है कि कभी भैन के प्यार के हथों मजबूर होके इस जेल चो नसन का अपनी अखा सुफना भी ना लियाई
जेल के रिकॉर्ड च मौजूद है कि कई नबीना कैदी जेल के खूह च डुब के मर गए। बस मौत का ऐलान कराने लई एक अलार्म कराना पिया। सर ये अलार्म क्यों है? बाला छुरी मार एक बार्डर चुके छत लै गए। बाला छुरी मार? मैं की देख रहा पल छुरी मार मेरी चेहरे के शेर भी बकरी को कंड कड़ता है। ते तो इस चेहरे एक कैदी नंबरदार ने अपने मोढ़े से चुक के मेरे ते किस दश का पार पड़ा चला है? सवाल न कर जेलर, मैं सिर्फ मेरे इस सवाल का जवाब दे कि इस जग च मां तो बगैर केड़ा जमया ही? कोई नहीं भले। तो फिर सुन जेलर, मां तो बगैर जमण वाले तेरे इस नंबरदार ने मुलाकात ली आने वाली मां को ईद का सामान खोलिया तो उन्हें धक्के दे के जेलों बाहर भी तोड़ दिता। और तू दस मौत तो काटे दी की सजा पड़ती है? तेरी बोलती बंद क्यों हो गई है? आकड़ी ताड़ चुक क्यों गई है? अरे तेनु की जवाब दे रहे? तू तो गल सुना के मार देता है। असी जेल रोके दे जुर्म दी माफी मंगी है ते क्या तो दी जान बख्शी कर सकने? ओए भालिया, ओ एक जेलर ने तेरे को माफी मांग ली, ओदी जान बख्शी कर दे। कह दी यार ओ जीव नु तालू दी कंद न ला ते अग्गे तो मैनू यार दा लफ्ज ना की ते फिर इंज कर बले, मैं जेल दा वड्डा बुआ खोल देना। मां दी जिस बेहुरमती ने तेरे पिंड च अग भर दी है घर जाके समान मिलिया। हां भले, इस वर्दी के अंदर हर रिश्ते की पहचान करने वाला एक इंसान भी रहता है जिहड़ा जानता है कि रब ने आम नजर ते नहीं सी आना। वो इसलिए कि वह पेस बिठा के मां के रूह बिच आ गया है। ओए जा मर्दूदा, सुनाए भले, ए नंबरदार ते अपनी सदा तो नहीं बच सकेगा। बाकी कल ईद नू मैं तेरी मां की मुलाकात इस जेल च करा देंगा। कहती यार तैनु एक बारी क्या सी तेरी खोपड़ी च दारू नहीं पिया? पर सकना कि तेनु यराने दी किस सपनी ने डंग मारिया जिदी हिस नाल कौड़ा हो गया? सुन असी एक जिगरी यार दे कतल होण तो बाद ओदा वैर कुट्टण लई कातिल समेत ओदी पूरी नस्ल नू उजाड़ के जेल आ गए, पर अज तक उस यार दा एक भी वारस साड़ी मुलाकात ले कदी जेल नहीं आया। तेरे तेरे सीने का भट पूरा पिंडा ही छे को छेक है, पूरा पिंडा ही छे को छेक। ऐ मनवरा तेनु एक दिन एहो जा यार बन के वखाएगा कि तू सारी हयाती कैदी यार कैदी यार कहेगा।
जागीरदार बुलंद बख्शी ए जेलर खुदा बख्श साहब ने जिन्हां दी जेल विच ताजा मुजरम मुनव्वरा बन गए। समझ गया वहां कि जेलर सौदा करना है कि असी किन्नी को रकम देइए कि हुक्म दी तारीख आने तो पहले जेलर मुनव्वरे नू जेल च मरवा देवे। नहीं बुलंद बख्त जी, मैं तुहानू सलाम करन आया कि यह कहने वास्ते आया कि मैं सारी जिंदगी पत्थर की चार दीवार च गुजार दिती है, पर मेरा दिल अज भी कशद है। फिर तुसी ते जानदे हो कि मुनव्वरा दो जवान भैणां दा भरा है, ते उन्हां मासूम भैणां दा भी मुनव्वरे वीर तो सवा दुनिया ते कोई नहीं। फिर बुलंद वक्त जी, कोई ऐसी सूरत, कोई ऐसी गुंजाइश, कोई ऐसा जुर्माना भरया जा सकता है कि मुनव्वरे की जान बख्शी हो जाए? क्यों नहीं हो सकता, जरूर हो सकता है। जिस पैर तो चढ़ के मुनव्वरे ने मेरा जवान पुत्र मारे है, ओ पैर सुआ जोड़ा पाके ऐस हवेली जा जाए। वाह बुलंद वक्त जी, वाह! तुसी नाल ही बुलंद वक्त नहीं, एहो जिया दरिया दलिया नहीं ते ताडे वक्त बुलंद कीते ने। मैं अज ही जाके मुनव्वरे नाल गल करना कि तुसी ते उन्हें नवी जिंदगी बख्श दिती है। अच्छा जी, हुण मैनूं इजाजत दिओ। शुक्रिया जेलर। मुनव्वरे नूं जाके ऐ जरूर कमी कि उहदी भैण दा लाड़ा मेरा कोई पुत्र भरा नहीं, बल्कि मैं आप लाड़ा बन के आवांगा। जेलर, मैं मुनव्वरे दी भैण नाल सुहाग रात उससे मंजे ते मनावांगा जिस मंजे ते मेरा पुत्र सोंदा सी। बुलंद वक्ता, बड़ी घटिया शर्त रखी। सोचन की लग पे हैं कच दे दिल वालिया? कुछ नहीं बुलंद वक्ता, मैं मुनव्वरे नूं तेरी यह शर्त जरूर दसांगा। आओ चलिए। ओए वकीला, मुनव्वरे दी जान बख्शी दा स्टाम तैयार कर। भुख ते दुख दा मारिया गरीब इक ते की अपनी जान बचान लई, अपनी दोनों भैणा व्याह देगा। रब्बा, साडे वीर दी जिंदगी चंद तारियां जिवें कर दे। रब्बा, असी जगती रहिए ना रहिए, पर साडे वीर दी हयाती सूरज बन के का कियामत लिशका मारती रवे। ओ जेलर साहब ने जिन्हां दी जेल विच ताजा वीर मुनव्वरा बन गए। जेलर साहब, सच सच दसना, साडा वीर साडी जुदाई च सिर्फ अपनी अथरू पींदा कि कभी मुंह नूं पानी भी लाया सू? मेरा वीर सिर्फ अपने कलेजे दी मोटियां खांदा कि कभी रोटी भी खादी सू? मेरी ओ बेटियो, एक वीर नाल ताडा ये प्यार वाकई वो मिसाल है जिदे सामने इस जग च हर प्यार की लो मठी पै जाए। मैं तुहानू यह दसण वास्ते आया कि वीर कुछ दिनों बाद जेलों घर वापस आ जाएगा। कुछ दिन क्यों, कल ईद है ते साडा वीर कल ईद दे चंद दी चांदनी साडे वेले खिला रहा होएगा। हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं,
सच दसा सरकार ने सदा ताडे वीर नूं बोली है पर कहे ताडे चो एक भैन नूं कटनी पै गई। ਲੈ ਬਾਜੀ ਮਨ ਨਾ ਮਨ ਮੇਰੀ ਤੇ ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲ ਆਈ ਏ ਵੀਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਪਿਆਰ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਸਾਂ ਐਸੀ ਉਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਕੈਦ ਮੈਂ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਵਾਂਗੀ। ਚੱਲ ਨੀ ਚੱਲ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵੱਡੀ ਹਾਂ ਵੀਰ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਉਮਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਵੀਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹੱਸ ਕੇ ਸੂਲੀ ਚੜਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਗਾ ਨਾ। ਮੇਰੀ ਉਹ ਬੇਟੀਓ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜੇਲਰ ਨੂੰ ਖੂਹ ਚ ਸੁੱਟ ਕੇ आप पहाड़ पे खड़ो भी आज लो फिर सुनो चौधरी बुलंद बख्त की शर्त तेरे वीर की रहाई का प्रभाव वो तेरे चो उस भैन की बोली अपने कर ले जाना चाहता है जिदे तो चिड़के तेरे भरा मनवरे ने उसके पुत्र मौत मजे कटोरिया। क्यों बाजी सत्ता क्यों हो गई? मैं क्या सी ना मेरी लाटरी निकल आई है। दसो जेलर साहब सूआ जोड़ा कदों पाना है तू डोली विच कदों बहना है? मेरा लोहे वर्गा कलेजा छेको छेक ना करो जूड़ जोगियो छेको छेक ना करो चौधरी बुलंद बख्त तैनू अपने किसी पुत्र दी नहीं अपनी बीवी बुलाना चाहता है अपनी। जेलर साहब जागीरदार ने किन्नी छोटी शर्त रखी है पैना ते वीरा दी जिंदगी दी खातिर मौत ने कुट कुट के जफा पा लेंदिया ने मैं ते सिर्फ सुवे रंग दा कफन पाने कफन पाने। ओए जूड़ जोगी हो जूड़ जोगी हो मेरे पैरा थलो ते जमीन निकल गई है जमीन निकल गई है। कल ईद दा दिन है मैं तुहाड़ी मुलाकात तुहाड़े वीर नाल करा देंगा। हाँ करा देंगा। थवा कर इधर किधरे जेलर रौन से आवे ते तेरा भरा तेन जेलर दे खीसे चार के मखावे। ओए बाबा की कली है तेरे वारसा ने तेनू ईदी पुत्र ना कोई अखे ते ना कोई पिछे मुलाकात ही नहीं आई। ओए बक ना ओए ओए बदबख्ता हाथ भी चुकिया ही थे अपने प्यावा वर्गे इस प्यूते। ओए मंजिया ठोक बाले छुरी मारनू you
ਹੋਈ ਮਾਂ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਜੱਗ ਵਾਰ ਦਈਏ ਤੈਨੂੰ ਢੇਰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਹੋਣੇ ਸੀਤੀਆਂ ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ ਮੈਨੂੰ ਜੇਲਰ ਸਾਹਿਬ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਜੇਲਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਕਰ ਰੱਬਾ ਜਗਦਾ ਕਾਫਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾਓ ਕਹਿ ਦੀ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸੌਂ ਹੈ ਸਾਡੀ ਚੋਲੀ ਚ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਨੇ ਦੀ ਖੈਰ ਪਾ ਦੇ ਕਿਉਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੈਦੀ ਯਾਰ ਬਣਾਵੇਂ ਆ ਕੈਦੀ ਯਾਰ ਮਨਵਰੇ ਤੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਆਈ ਹੈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏ ਨਾਜ਼ ਬੜੀਓ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਕੌਣ ਛੱਡ ਗਿਆ ਪੀਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੇਲਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਇਤਲਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੀਓ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਈਦ ਮਿਲਾਨ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਗਿਆ ਜੇਲਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਤਵੀਂ ਤਹਿ ਚ ਗੜ ਦੇਗਾ ਵੀਰਾ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਸੁਣਾਵਾਂਗੀ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਦੱਸ ਖਾਵੇਂਗਾ ਕੀ ਦਾਲ ਗੋਸ਼ਤ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੋਟੀ ਪੁੱਜੇ ਗੋਸ਼ਤ ਦੀ ਵੀਰਾ ਇੱਕ ਪਲੜੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਪਹਿਣਾ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਪਾ ਦਈਏ ਪਰ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪਲੜਾ ਫੇਰ ਵੀ ਪਾ ਰਹਾ ਨਹੀਂ ਭੈਣੇ ਚੱਲ ਰਾਣੀ ਵੀਰ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਮੈਂ ਵੀਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਵਾਂ ਲੈ ਭੈਣਾ ਲੈ ਲੈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਓ ਆ ਸੁਣ ਵੀਰਾ ਹੋਰ 4 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਤੂੰ ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਰਿਹਾਈ ਹਾਂ ਵੀਰਾ ਜਿਸ ਬਗਾਰਤ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਬੋਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਪਿਓ ਨੇ ਤੇਰੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਵੀਰਾ ਮੈਂ ਸੁਣਦੇ ਹੱਸ ਪਈ ਤੇ ਹੱਸਦੇ ਹੱਸਦੇ ਸ਼ਰਤ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਈ ਉਹ ਕੀ ਸ਼ਰਤ ਸੀ ਵੀਰਾ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੇਲਰ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਸ ਮੁਟਿਆਰ ਤੋਂ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਮੁਟਿਆਰ ਡੋਲੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਜਾਏ ਦੱਸ ਵੀਰਾ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿਆਂ ਨੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੈ ਬਸ 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 ਕਰੋ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਚ ਬਸ ਕਰੋ ਈਦ ਦਾ ਕਲੇਚਾ ਭਰ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੂਲੀ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਭਰਾ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕਮਰ ਚ ਹੋਣ ਮਾਸੂਮ ਪੈਰ ਉਹਦੀ ਡੋਲੀ ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਾਹ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਰੋਜ਼ ਜੀਏ ਰੋਜ਼ ਮਰੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਉਸ ਜੇਲਰ ਤੁਹਾਡੇ ਝੂਠੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਫੁੱਲਾਂ ਵਰਗੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਅੱਗ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਤੇਰੇ ਘਰ ਕੋਈ ਜਵਾਨ ਧੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਸ਼ ਕਰ ਨਮਰੇ ਸਾਡੀ ਹੋਸ਼ ਖੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੋਸ਼ ਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੈਰਤ ਲਈ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਚੁੰਘ ਕੇ ਗੱਲ ਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹੀ ਮਹਿੰਗੀ ਗੈਰਤ ਅਸੀਂ ਜਾਨ ਵਰਗੀ ਸਸਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਮਾਰ ਦਈਏ ਓਏ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰ ਦਈਏ ਜਾਨ ਵਰਗੀ ਸਸਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰ ਦਈਏ ਮਨਵਰੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਜਾਨ ਵਾਰਨ ਦੀ ਸੌ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਤੇਰੀ ਇਸ ਭੈਣ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਭੈਣ ਨੇ ਜੇ ਸੂਹਾ ਜੋੜਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਦਾ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮੂੰਹ ਵੇਖੇਗੀ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮੂੰਹ ਵੇਖੇਗੀ ਹਾਂ ਕਹਿਤੇ ਜਾ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਵੀਰਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਮਰੀ ਹੋਈ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖੇ ਤੇਰੀ ਇਸ ਗੈਰਤ ਦੀ ਵੀ ਐਸੀ ਦੀ ਤੈਸੀ ਮਸ਼ਰਾ ਤੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉਹ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਗੀਰਦਾਰ ਦੀ ਡੋਲੀ ਚੜ ਜਾਏ Thank you.
कैदी यार, नस जा कैदी यार। जो तेनू मैं क्या सी इतों नसन वाले हर कैदी की खल ला के मैं दीवार से टंग देना ते फिर इतों नसन का सुसना की मेरे ना फराम ना पाना चेहरा जागीरदार ने जंज चलान तो डरना नहीं ते पैन ने वीर की जिंदगी लिए टोली चलन तो मुड़ना नहीं ते याद रखी जे मेरी जिंदगी च हनेरी आ गई ते मौत का पहुंचाल भर के मैं तेन भी जगह तो पट दलाई दीवा बुझन लगे आखिरी बात भड़कद ते बंदा मरन लग्या भड़कद ले जा तू तो निकल जा कैदी यार इन्हों मैं सांभ लांगा लेकिन तू ओ तू जाना मीरा रेशमा 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 नानी कितने मैं पूछा नानी कितने रानी पुत्र रानी बुआ खोल रानी बुआ खोल बुआ खोल रानी रानी बुआ खोल बुआ खोल 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 Yeah.
तेन खोल लखी ला ले मेरिया सावा वास्ताई तेन खोल लखी ला ले मेरिया सावा जानते जानते गल उठ गई है तू अज मेरे चादा बाद मामा दे पैना विचों इस दम खड़ा मावादा मौला खूब बनाया हो मैं मुलावे दी पहनना ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇੰਤਕਾਮ ਲਵਾਂਗਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇੰਤਕਾਮ ਲਵਾਂਗਾ ਕਿ ਮੁਲਾਵਲਾ ਮਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੇ ਤੇ ਮਰ ਨਾ ਸਕੇ ਬੁਲੰਦਿਆ ਮਨਵਰੇ ਸਮੇਤ ਗਰਨੇਟ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾੜ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ सब कुछ सड़के सवा हो गया जेलर साहब इस अग दे शोले जागीरदार की ताकत का निशान मुनवरे की बेबसी की दास्तान बन जाएंगे जागीरदार ने जंज चलान तो डरना नहीं ते पैन ने वीर की जिंदगी लिए डोली चलन तो मुड़ना नहीं जे मेरी जिंदगी च हनेरी आ गई ते मौत का भूचाल बढ़ के मैं तेनू भी चलन तो वक्त दिलाई आज मुझे समझ आई है
کہ عوام پولیس مردہ باد کے نعرے کیوں لگاتی ہے؟ اس کی صرف یہی وجہ ہے کہ اس سب جان اور مال کے محافظ سوئے ہوئے ہیں اور مسلم دن رات جاگ رہے ہیں۔ افسوس ہے مجھے آپ لوگوں پر کہ سزائے موت کا مجرم منورہ اور اس کا قیدی یار بالا چھری مار، آپ صرف سرکار کی دی ہوئی جیپوں اور موبائل گاڑیوں پر اپنے گھر والوں کی فرمائشیں پوری کر رہے ہیں۔ سر ہمیں بس صرف یہی کہنا چاہتے ہو نا کہ اگلے 24 گھنٹوں میں دونوں پولیس کی حراست میں ہوں گے؟ پولیس کے 24 گھنٹے 24 سال میں بھی ختم نہیں ہوتے۔ بلند بخت اور اس کے ساتھی قتل ہو گئے، منورہ اور اس کا ساتھی بالا چوری مار بانس کی طرح اڑتے پھرتے ہیں۔ اب کان کھول کر سن لو، صرف 3 دن کے اندر اندر منورہ اور بالا چوری مار زندہ یا مردہ نہ ملے تو تمہارے کندھوں پر سجے ہوئے یہ پھول اور ستارے کیل بنا کر تمہارے کندھوں میں ٹھونک دوں گا۔ ڈیڈی، کی گل ہے ڈیڈی، اینے پریشان کیوں جے؟ جدوں دی میں ہوش سنبھالی ہے نہ تہاڈی گردن چکی ویکھی نہ اکھ نہیں، لگدا ہے تہاڈی زندگی چ کوئی ایسا طوفان آیا ہے جن نے تانوں جڑا ملا کے رکھ دیتا ہے۔ ہاں بیٹا، طوفان ہی ایسا آیا ہے جن نے لوہے تے فولاد دے بنے ہوئے اس جیلن نوں منہ وانگو پگھلا کے رکھ دیتا ہے۔ تہاڈی خدا ترسی دا ناجائز فائدہ چکدیا ہویا تہاڈی جیل دا کوئی قیدی بفریا تے تہاڈے ہتھوں مر گیا؟ نہیں بیٹے، نہیں، میرے ہتھوں میری جیل دے ایک قیدی دی بہن دا خون ہو گیا۔ اوہ، لیکن میں یقین نہیں کر سکتا۔ پر مینوں تے وقت نے پچھتاوے دی اوس اگ سٹ دتا ہے جیہدے چ مینوں زندگی دے آخری ساہ تک چلنا پے گا۔ بیٹے، ایک قیدی اپنی بہن دی زندگی بچان لئی جیلوں نسنا چاہتا سی پر میں اُدے رستے دی دیوار بن گیا۔ تیرا مطلب اے مفروری اُدا حق سی؟ بیٹے، جی میں نماز پڑھ دیاں سب پا جائے تے اُنوں مارنا فرض ہوندا ہے، این جی اُدی مفروری وی اُس ویلے فرض سی۔ تسی اُنوں لے کے آپ اُدی بہن دی زندگی بچان چلے جاندے؟ اے دکھ ہی تے میری زندگی دا پچھتاوا بن گیا ہے، میں خود موقع تے پہنچ جاندا تے شاید اُدی بہن جنوں میں دھی دا درجہ دتا سی اُنوں بچا لیندا۔ پر جدوں جیلوں باہر مفرور ہو کے گھر پہنچیا تے اُدی بہن دنیا چھڑ چکی سی۔ بس دعا کر بیٹا کہ زندگی چ کوئی گھڑی ایسی آ جائے کہ میں اپنے جرم دا کفارہ ادا کر سکاں۔ بالا تانوں ایتھے لیا کے یارانے دی پہلی پوڑی چڑھیا ہے، دوستی اس کسے پتر نے زامن ماں دا سر بڑھایا ہوئے تے رشتہ سر لوا کے پورا ہوندا ہے۔ ماں جی، ساڑے اس قیدی یار نے ساڑے نال اپنے یارانے دی جڑی لج پا لی ہے، اسی تے صرف ایہی کہہ سکنے ہاں کہ یار ہوئے لج پال ہوئے یا لاون چسے، سر منگے سر دے دئیے سر دینا کیڑی کسے۔ اوئے رب بھلے نو بھی تیرے تو سر وارن دی توفیق دے بے۔ چل ماں، تو منور نو دی او سخات وکھا جڑی دی تپتی حیاتی وچ اپنی چھان دے پھل کھلارے گی۔ چنگا ماں، میں اپنے تے اپنے یار دے گل دا ہار سنگار لین چلیا، رب رکھ۔ رب رکھا؟ تو کیڑے ہار سنگار دی گل کر رہا ہے؟ اور کیڑی سبقات آئی ہے؟ اتنے میں دس دیا، اچھا میرے نال۔ تم تو ایتھے ایتھے نہ آؤں تے تیری بہن آئندہ بہن
एक कबर मेरी भी होती। मुझे साढ़े कलोजे दे पड़ती हाले हक भी नहीं लगी तो तू मैनू कच्ची नींदरे चका दिता है। जिस हवेली की एक ही केटे च जुम ते बेहयाई दा खून सी मैं उस दोजख दा बुआ टप के हमेशा लिए इस मां दे पैरां दी जन्नत च आ गई हां। पर ओ नवर पुत्र उस हवेली दे मुंशी पक्षु बाबा ने नूरी दी हयाती जाण वाले तूफान दी पैरां दी तमक सुन ली सी इसलिए इन्हू शर्मा ते गैरत वाले इस किले छड़ गया। इस गैरत दे किले विचों वैरियां ले अपने वैर दियां जेड़ियां चंजां चलाणियां ने ओनू वेख के इस चकीर दा हर मजलूम और पुत्तन पाएगा पुत्तन।
सजना एक साल तो पूरे 27 दिन बाद तेरा दीदार हुआ है, साड़ी तो ईद हो गई। इस करिश्मा ने अपने हुस्न का फर्श तेरे रिश्ते पैरों से बिछा दिता है, पर साड़े दिल का खून करन दी तेरी पुरानी आदत अजे भी नहीं गई। तवायफ नू तो जमदे ही सत खून माफ होंदे ने, तेरे दिल का खून कौन कर सकता है। ऐ शहर तेनू बाला छुरी मार कहता है कि ते साड़े हथों अपनी शाल ना कटवा ली। मार देण वाली है वाकई, हथ पैर बन के मार देण वाली है। तेरे अंदरों इश्क दा एहो ही सेख वेखना सी। वी सेख ते इन्ना है जदों लोकी सर्दी तो कम के अग पखांदे ने, मैं बर्फ चबनी हां। असी जानने हैं कि साड़ी लिखी तेरे ही हथों है, बस इस अग दे मश नू जरा होर मचा, असी अपने यार दे दिल विच बलदी वैर दी अग बुझाइए। यार दा लफ्ज़ तो अपनी जिंदगी दी किताब विचों हमेशा ली खारिज कर देता सी, फिर नवा यार किस दुनिया चो आ गए। करिश्मा उदे अंदर दा दुख साडा यार बन गया, इस दुनिया सुखी पावे दुखियां दा साथ छड़ जान, पर दुखी दुख सहन वाले दा साथ मरदे दम तक नहीं छड़दे, नहीं छड़दे। तेरा ये यार सानू देख नहीं पैना है। मफरूरी दे जिस सफर ते असी टुर पए हां ओदे जान दा ते पता हुंदा है, पर आण दा पता नहीं हुंदा। रब रखा, बस साडी मौत दी तारीख तो पहला जरूर आ जावी। साडे यारां दा डेरा है, बिल्कुल आराम नाल बह। आ बैठो सजणो, बह जा बह जा। लस्सियां बड़िया और कुछ सजण ऐसे होंदे ने और जेड़े सजणा दे कोल चल के आ जाण ते सजणा दे माण वज जांदे ने, और जे साडे दे माण करके आ ही गए हो ते फिर लम्मी तान के सो जाओ। इसे लई साडे खौफ तो अज तक कानून दे किसे सूरमे ने साडे डेरे दी हद नहीं टप्पी। मखलो तुहाडे चारे पासे मार दियां कंधा खड़ियां कर दित्तियां, जे हुण जिधर भी नसोगे अपनी मां तो नसोगे। ओए मर्दूदा काली वर्दियां ते मेरे दिल दा रोग बन गईयां ने, ते फिर अज रोग ही मुका देने आ। Oh,
लो बहुत अच्छे जो भी यह गल हुई है साडा साफ दौड़ गया सानू इतने फसा गया जदों किसी इश्तेहारी का इश्तेहार लगता है तो वो मां का दुख ना तो कानून समझता है तो ना ही इश्तेहारी मां जी हुण की होएगा जो रब ने मंजूर होएगा मोरिए पर जिंदगी च उजाड़ पैदा करता है ते प्यार प्यार जिंदगी च बहार लिया है मोरिए ना इंसाफी की अग के पांबड़े सड़ते मुनवरे नू सिर्फ एक तू ही बचा सकनी है तुसी फिकर ना करो मां जी सब ठीक हो जाएगा मुसीबत कितने आ गई सौजा सौजा फटाफट सौजा तू देख लो जा रब करता मैं जमदी ना जम गई सा ते जवान ना होती जवान हो गई सा ते लोली नंगली पैंगी होती हुस्न पेश पड़ा सी ते आशिक एहो जिहा होंदा कि अपनी इक्को ही तकनी च सानू बर्फ वांगू खोल के रख देता साडा हार सिंगार है गोलियां हथियार सारी मंजिल सिर्फ इंतकाम तै दस पे दुनिया का कहड़ा दुश्मनदार है जिड़ा हर वेले गोलियां के बारूद चपदा रहता जिड़ा चार कड़ियां हुसन का तकिया बिछा के जिंदगी का मजा नहीं लेता ते फिर मेरे जी कोई मुतिया उदी कान ते थापड़ा मार के कह दे पै जा ते वो दुश्मन दी चीका कटा दे और बुलिया ते सुरखी गल्ला ते मैदा नक च नथली ते कन्ना च बुंदे पान वाली मुटियार की जाने के जवान मैदान च की पी कटनी पैंदी है तुसी रन्ना ते अपने हुसन दे जोबन च हार सिंगार करके ओदे ते एहो जी काठी पांदियां कि वो पिंजरे च बंद शेर वांगो हर वेले चीका ही मारता रहिंदा है हट करनी सा
तेरे नाल ओ गल फेर होवे दिल च मोहब्बत जगा के हर गल अपनी मना के जे ना लिप करावे यार ते चीखा निकल दिया दिल च मोहब्बत जगा के हर गल अपनी मना के जे ना लिप करावे यार ते चीखा निकल दिया चूड़िया ते चांदरा पाके कजले ते सुरखियां लाके मैं यार उड़ जाए हार सिंगार ते चीखा निकल दिया जे ना लिफ्ट करावे यार ते चीखा निकल दिया कोई जावे जे बाजी हार ते चीखा निकल दिया जे ना लिफ्ट करावे यार ते चीखा निकल दिया हाय यार जाए हार सिंगार तो चीखा निकल दिया जे ना लिफ्ट करावे यार तो चीखा निकल दिया अस्सलाम वालेकुम ये साडे बड़े कड़क इंस्पेक्टर ने बड़े बहादुर जाबर किस्म दे इन्हां दा खास ध्यान रखना एडे बहादुर ने समझ नहीं आती हर बारी बच के में जाते बकवास बंद कर दफा जा मैं दफा हो ही जाना साहब जी पर तुहाडी समझ नहीं आती अस्पताल दे इस कमरे नु तुसी होटल दा वी आई पी कमरा समझ के ऐशां पे कर दो ऐश करो सानू की माइंड ना करना बकवास बंद कर चलिया और मैं नाल लेके नहीं चलिया दफा जा ओए अच्छी दिया बचिया तुसी जरा अपनी पट्टियां तब्दील करवा लो
रात बनाने लिए बुरकियां शराबा लियाओ ते नथल कंजरिया दे मोबाइलों दियां टलियां बजाओ। नहीं मनशा नहीं, तेनू ते चंगी तरह पता है साडा कलेजा पाट गया कलेजा। साडा बब्बर शेर भरा कतल होया, ओदा ते हली तक चालीसवां नहीं होया ते मुजरा किवें हो सकता। जदों वैर दे बाजार दे गाग बणीए घाटे वादे दा सौदा ते गल पैंदा ही है। दिल खुश करते ही मनशिया और बहुत सियाड़िया गल्ला करन लग पे कि जवानी की मौत ते नहीं मर जाना। और सिकंदर बख्ता कहो जा साडा वीर है सानू जवानी की मौत मार के साडा मंजा अपने मोढ़े ते चुकना चाहता है। बुढ़े वारे खंग खंग के मरन तो चंगा नहीं क्या बंदा एक बारी जवानी चपड़ी जीदारी का मैदान ला के जग तो फारग हो जाए। और सिकंदर बख्ता प्राप बुलंद बख्त कातल का कोई खुरा न पिया ही। ज्यादा गला न करो दारिया, तो सिर्फ इन्ना दस के मनवरे दे थार टिकाने का पता लगे कि नहीं। खबर आई है कि ओदा जोटीवाल बाला छुरी मार शहर दे वड्डे बाजार दी करिश्मा बाई दे कोठे दे हाजरी दिन जरूर जाना है। बाला छुरी मार लाला दारिया, ए ओही छुरी मारी जेड़ा साडे हथों जेल च खर्च होण लगा सी। ओ तो फिर सिकंदर बख्त दी हवेली नाल अपने यराने का भार हौला करन लई अज ही उनू नत जपा पा ले। नत जपा कोठे दिया पौड़िया चढ़ जाता है। ग्रीष्मा भाई कल जिन्हें इश्क दे हथों जिबा होके इस कोठे दिया पौड़िया च पियाना है सारा दुश्मन बाला छुरी मर किथे वे ओदा दिल साडे सीने विच ओदी रूह साडे कलबूत विच ओदे पिंडे दी खुशबू साडे लू लू विच वे ओ तनु साडे इश्क दे मजार दे सिवा किथे लग सकदा है। एदा कोई दोष नहीं करिश्मा भाई, रब ने तेनु हुसन दा राशन ही इन्ना दिता तेरे वलों पूरा शेर भी भूखना मर जाए पर तेरे घर झोपड़ी पकड़ गया। वे आशिक दी खुराक ते सिर्फ ओदे जिगर दा खून हुंदा है, जे ओदे महबूब दा दीदार हो जाए ते साल दो साल ते भुखी नहीं लगदी। ओ मेरी छुरी मार दी एंग मशूक है आज नत तेरी जवानी दी इस गिरी नू चिथ चिथ के ओदा फोक दुश्मन दे मुंह ते सुट के ओदी हयाती दा तफला ही पार देगा। नशे आएगा छुरी मार दी छुरी चलदिया वेख के पूरे शहर दे कसाई भी कहन गए के बकरे ते ज़बा होंदे रोज ही वेखदिया पर बंदा इन्ना साफ सुथरा ज़बा होंदिया पहली बारी वेख्या।
जरा भी डाली मारे फड़का के रख दो और तक इस नत्त दिया उडारियां वजदियां रहनगियां जदों तक छुरी मारना पाया होया वैर कुट्टन विच मत नहीं वजन दी ओए रोज रोज दा स्यापा मुकान लई तैनु मौत दी एको उडारी मरवा के प्रवाश कर देगा वे साडे इश्क दे दुश्मना तैनु अपने सजना दी जिंदगी दा सदका समझ के ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਾ ਮਾਰ ਦਿਆਂ ਆ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਲੈ ਚਲੋ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਤ ਏ ਬਿਠਾਈ ਸਜਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਓਏ ਸਜਣਾ ਨਾਲ ਕੀ ਸਜਣਾ ਦੀ ਗੋਦੀ ਬਿਠਾ ਦਿਆਂਗੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਜੁੱਸਾ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਚਲਨੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਐਸ ਪੀ ਸਾਹਿਬ
तू हथे च हथियार चेहरे के इंतकाम की अग वेख के भी पूछना है कि मैं कौन हूं। मौत को इसलिए नहीं डरता कि रब ने मारन तो बाद एक बार फिर जिंदा करना है। लगता पिंडे के वेड़े च लौदी कोई चिट चेलर दी डिगी है। फखर है, फखर है कि रगा विच खून की एक एक बूंद 100 शेरों के शेर मेरे जेलर भापती है। चंगा किता ही, चंगा किता ही कि दस दिता ही मेरा पेंडा होर कटा दिता ही। उस जेलर ने मेरी मासूम भैन मेरे दिल की शारक वर दिती। जवान पुत्र मार के लिए सजा होर भी बृतनाक क्यों ना बना दिया। मनवरे मैं ते हाले गोली भी नहीं चलाई तो तेरी जान पहले निकल गई है। ओए असी ऐसे दिन रही जेलर तो बाप बड़े सा ते तेरे नाल इंसानी जो रिश्ता जोड़ रहा सी ते एक दिन तू मेरे पुत्र की जान कटन आ जाएगा। तोल ओए इंतकाम का तोल पूरा करन आया अपनी भैन के बदले पहले तेरे पुत्र की लाश तेरे बाद तेन मारेगा ते फिर चला गोली ते मार दे मेरा कला कला पुत्र मार दे। पर मेरी एक शर्त ही मैं पुत्र की लाश सीने लावा ते तू मैं अपनी उस मरी हुई भैन का चेहरा विखाएगा जी मेरे पुत्र की मौत तो बाद जिंदा हो जाएगी। देख मनवरे भैन ते तेरी भी मरी सी पर रब की सौ ती साड़ी भी मरी है। जे दिल तेरा चीरिया गया है ते जिगर साड़ा भी छेको छेक हो गया मनवरे असी सौ खाने अपने पुत्र दे सिर दी अपनी जान दी कि असी तेरी भैन राणी नू ती कह के उदे बादल बने वो साड़ी जिंदगी दे हासे साड़ी जेलरी दी आकर साड़ा रोह दर्दवा वो कबर च अपने नाल ही लै गई। तेरा पछतावा मेरे दर्द की दवा नहीं बन सकता। मैं फिर सुन मनवरे तेरा दर्द भी मैं ते तेरे दर्द की दवा भी मैं। तू अपने पिंडे ते मफरूली का कफन पा के मौत को नहीं नस रहा मौत वाल नस रहा है। तेरी एक भैन गले च फांसी का फंदा लैके मर गई जे तू कानून की गोली का निशाना बन गया ते तेरी दूजी भैन तेरी लाश ते भैन बाप पा के मर जाएगी। तू क्या सी मनवरे कि साडा पछतावा तेरे दर्द की दवा नहीं हो सकता। लै फिर सुन साडे कीते हुए जुर्म का जुर्माना उदा गुफारा कि असी कानून के मुहाफिज होके कानून के एक इश्तारी की भैन इस घर की नूह बना का ऐलान करने। साहब जी रब्बा तेरा शुक्र है ये मां जानती सी कि खुशी की हवा का दूल्हा मेरे वेड़ा जरूर आएगा। भरना कुछ अथरू तो बचा लै डोली च बह के वीर दे दिल दे वेड़े चो फदिया हो लगे की करेंगी। नले नले इधर वेख पैन रेशमा डोली तू चढ़ना है ते लालियां इधर साड़ी होण वाली परजाई दी गल्लां ते चढ़ गया। इधर भी ते किट किट लालियां चढ़िया ने क्यों असी दुनिया से लोकां दी झंझा वेखण आए हां असी भी उछाला मार के डोली चढ़ांगे।
सच्ची मुहब्बत पैना कोलों मिलती हो इस दुनिया ते सच्ची मुहब्बत पैना कोलों मिलती तू है मेरे दिल दी ठंडक तू है नूर निगावां दा बादमावां दे पैना विचों इस दम खड़ा मावां दा मौला खूब बनाया ही रिश्ता जगते पैन परावां दा बादमावां दे पैना विचों इस दम खड़ा मावां दा मौला खूब बनाया ही हो वाह मनवरे वाह मैं अपनी जिंदगी च बड़े बड़े भरावां अपनी भैणां नूं घरों विदिया करदिया वेख्या पर मैं पहली बार वेख रहा जिहड़ा अपने वर्गे इश्तहारी नाल रल के अपनी भैण नूं कट तोड़ रहा है ते असले दी नमैश बहुती कर रहा है। ओए साहब एक भैण वीर दे प्यार दी गैरत दी लाज रखण लई चाकी छड़ गई ऐस पैन उस सुबह जोड़े च वेख के असी भुली गए सा कि भरा पैनों नूं सिर चुका के तोड़ते ने मोढ़ियां ते असला सजा के नहीं मोढ़ियां ते असला सजा के नहीं सच के ये कैदी यार कानून दे एक मुजरम तेरा की रिश्ता और सपा अखीर दंग मार दिता ही ना नीच तो नीच दुश्मनदार भी अपने दुश्मन नू इंज बन के नहीं मारता जिवें तू मारे जेलर से ना ऐसे किसी कैदी दा यार नहीं बन सकता। इस तो बद मैं अपनी जेल दे एक कैदी यार नाल की जराना नभा सकना ओदी जिंदगी दा सब तो वड्डा बोझ ओदी भैण दा करवाद कर दिता हुण एक मुहाफ़िज़ दी किसे मुजरम नाल की जाई अब क्यों ना ला दिया सूए जोड़े नूं जिहड़ा मेरे वीर दा कफन बन गया। तो इधर हो जा बेटा हथ खड़ी ला लो इन्हां नूं बिलने जावे चीका ते मार दे ले चलो मीरा 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 Thank you.
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਏ ਮਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ। ਅੱਜ ਬਾਰੂਦ ਦਾ ਰੰਦਾ ਫੇਰ ਕੇ ਤੇਰੀ ਖਲ ਦਾ ਛਿਲਕਾ ਤੇ ਲਾਈਏ। ਓਏ ਚਲੋ ਗੋਲੀਆਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੌਤ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਚੋਂ ਆਪਣਾ ਗੁੱਟ ਛੁੜਾ ਕੇ ਆ ਹੀ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਯਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਦੀਵਾ ਬੁਝਣ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭੜਕਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਭੜਕਦਾ। ਕਿਉਂ ਉੱਤੇ ਦੱਸਾਂ ਉੱਤੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਦੱਸਾਂ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਤ ਦੀ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਬਲੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੋਲੇ ਨਾ ਪਏ, ਮੈਂ ਇਸ ਚਾਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਨਸ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਜੱਫਾ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਲੈ ਫਿਰ ਪਾ ਜੱਫਾ। ਗੂੰਗੇ ਦੀ ਰਮਜ਼ਾ ਗੂੰਗੇ ਦੀ ਮਾਂ ਹੀ ਜਾਣਦੀ ਏ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਰ ਘੱਟ ਵੀ ਦਈਏ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਡਰੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਫਾਇਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਖਾਨ। ਮਨੋਵਰੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਬਰ ਦੇ ਪਿੱਛੂਆ, ਤੂੰ ਤੇ ਵਾਕਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਮਾਂ ਦਾ ਦਾਜ ਸਮਝ ਬੈਠਾ। ਤੇਰੇ ਕੈਦੀ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਈਂ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੀ। ਵੈਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭੁਤਨ ਪਾਵਾਂਗੇ ਅੱਜ ਇਹ ਧਰਤੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਰਾਨਾ ਪਾਵੇਗੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੈ ਮਨਛਾ ਨਤ, ਵੈਰ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਚੜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤ। ਜਾ ਨਸਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਰਾਮ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੋਗੇ। ਹੁਣ ਬੰਬ ਤੇ ਕੱਢ ਲਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣਾ ਸੀ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੰਬ ਹੁੰਦਾ ਸਬਰੇ ਨੂੰ ਕੜੀਆਂ ਕੌਣ ਲਾ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਫੜੇ ਮੂੰਹ ਤੇਰਾ, ਓਏ ਮਰਦਾ ਮਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਗਿਆ ਕੁੱਤੇ ਦਿਆ ਪੁੱਤਰਾ। Oh, my God.
तेरा ना ही बाला छुरी मार, मेरा ना है मनचम नत, फिर खुलन लगी उन्नत। मेरा ना है मनचा नत, अज मरी गई है मेरी भी। जिंदा रहो कैदी यार, तू भी जिंदा रहो कैदी यार। हाँ।